रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ, बिकॉज आई नो माई वीकनेसेस, क्योंकि मैं अपनी कमजोरियाँ जानता हूँ। आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ माई फ्लॉज, मुझे मैं खूबसूरत हूँ, मुझे अपने ऐप पता है। आई एम फेयरलेस, मैं निडर हूँ क्योंकि मैं अपने फरेब जानता हूँ। आई एम वाइज, मैं दाना हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। आई एम अ लवर, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैंने नफरत महसूस की है। और आई कैन लाफ, मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मैंने उदासी देखी है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि हम खुश रहें, अल्लाह की दी हुई तीन नेमतों को लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज तीन लोगों का शुक्रिया आपने अदा करना है जो आपके आपकी ज़िंदगी को भरपूर बनाते हैं। आपने 15 मिनट के लिए वर्जिश करनी है और 15 मिनट के लिए कुरान तर्जमे से पढ़ना है और खुश रहना है। खुश कैसे रहना है? आप मुस्कुराते हैं, आपको इर्द गिर्द देखने वाले लोगों को अच्छा महसूस होता है, वो भी मुस्कुराते हैं, और इस तरह ये स्माइल लूप जो है हर एक को फ्रेश और हैप्पी रखता है। और दूसरी बात यह है कि फलाह की तरफ तवज्जो करें, कामयाबी की तरफ आएँ। रोज़ 5 दफ़ा अल्लाह के घर से आवाज़ आती है, रब कायनात की तरफ से। अलामा इकबाल का शेर है, वो ज़माने में मौजिज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक के कुरान होकर। तो ईमान को मजबूत करें, ईमान फेथ इज़ लाइक वाईफाई, जो नज़र नहीं आता लेकिन उसकी जो कुव्वत है, उसकी पावर जो है, वो हमें हर कदम पे महसूस होती है। अपने फेथ को मजबूत करने के लिए अल्लाह की किताब से जुड़ जाएं, अल्लाह को जानें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के दर से उम्मीद रखें और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करें। छोटी छोटी मसनून दुआएं सीखें, काम सीखें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। तो अपने सबक की तरफ आते हैं, हम वावल्स में से शॉर्ट वावल ओ इन द मिडल कर रहे हैं आज, ओ इन द मिडल। तो आप इसको लुक देखो, से कहो एंड राइट लिखो। तो सबसे पहले ये आपके सामने स्लाइड है, इसमें से उन जो वर्ड्स हैं जिनमें ओ आता है उनको एनसर्कल करें, उनके गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे वीडियो रोकें, ये आप खुद से स्पेलिंग लिखें, ओ को आइडेंटिफाई करें, फिर इसका जवाब चेक करें। तो शाबाश, उम्मीद है आपने ठीक ही देखा होगा, हॉट पॉट कॉट बॉक्स और माप में ओ आता है। अब ये आपके सामने खाली जगह, इसको आपने फिल करना है। दिस इज़ अ ब्राउन डैश, आपको तस्वीर देखी हुई है, इसके स्पेलिंग लिखें। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, आप पहले से ये पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ ये रिकॉल है। दिस इज अ ब्राउन बॉक्स, ब्राउन भूरे को कहते हैं और बॉक्स डिब्बे को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द डैश इज वेरी हॉट, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं पीछे कि ये क्या है, ये है पॉट, तो पॉट इज वेरी हॉट। यहाँ पे वीडियो रोकें, इसके स्पेलिंग लिखें, द पॉट इज वेरी हॉट, जो बर्तन है क्योंकि उसमें पानी उबल रहा है तो इट्स वेरी हॉट, वो गर्म है। द बेबी इज स्लीपिंग इन द डैश, अभी हम जो बेबी का छोटा पलंग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कॉट कहते हैं। तो बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है किसमें, कॉट में, द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट, कॉट जो है वो बच्चे के पलंग को कहते हैं। इसके अलावा यह टॉप, चोटी को कहते हैं टॉप, टॉप। इसके अलावा डॉट, नुक्ते को कहते हैं, जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो एक डॉट लगाते हैं एंड ऑफ सेंटेंस में। और ये है रॉड, रॉड जो है वो पाइप को कहते हैं, छड़ी को कहते हैं, किसी भी लंबी स्टिक को कहते हैं। और ये है कॉब, इसकी आपको शक्ल से ही देखा है, मक्की के भुट्टे को कॉब कहते हैं, कॉब। और सॉब, रोने को सॉब, सिसकी लेना, सॉब कहते हैं, सॉब। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड शेयर।